नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, भूगोल प्राध्यापक, लिटिल एंजल स्कूल झज्जर से। जन चेतना यात्रा के तहत आर्य समाज के प्रवर्तक श्री आर्यवेश जी के नेतृत्व में बहन पूनम आर्य, प्रवेश आर्य और स्वामी दीक्षेंद्र आर्य जी के सानिध्य में जो ये यात्रा आगे बढ़ी है, ये समाज को जागरूक करेगी। आने वाले समय में युवाओं को नशाखोरी, साथ में बुरे विचारों और अश्लीलता और जितनी भी समाज में बुराइयां हैं उनसे दूर करने के लिए ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। इस यात्रा के तहत जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी आगे बढ़ाया गया है, जो सरकार की एक बहुउद्देशीय योजना का एक मुख्य अंग है, हरियाणा जहां पहले लिंग अनुपात में बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता था, आज इस अभियान के तहत इन व्यक्तियों ने जिस प्रकार से अपना प्रयास किया है तो लिंग अनुपात में हमारा जो प्रदेश है वो अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता जा रहा है। यहाँ पर बेटे के समान बेटियों को अधिकार दिए जा रहे हैं। समाज में एक जनचेतना ऐसी फैली है जिससे कि हर वर्ग अपनी बेटियों पर पूरी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने के लिए प्रेरित हुआ है। जैसे आपने संस्कारों की बात की है, तो जैसे जी सर, यमुनानगर की घटना हुई और एक लड़के ने जो है प्रिंसिपल को जी सर अटैक किया, तो वहाँ लगता नहीं कि बच्चों का संस्कारों की भी बहुत जरूरत है? जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बच्चों को भी अच्छे तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले बच्चों को कि सही शिक्षा और सही संस्कार यही है जीवन का आधार। और जब बच्चों के अच्छे संस्कार होंगे, जिस प्रकार पहले गुरुकुल पद्धति के तहत बच्चों को संस्कारवान बनाया जाता था, तो उससे बच्चों के अंदर आंतरिक मानसिक और शारीरिक जो सुदृढ़ता आती थी, बुरे विचार दूर हो जाते थे। आज ये समाज में जिस प्रकार एक छात्र अध्यापिका को मार रहा है, अध्यापकों को मार रहे हैं, अपने माँ बाप की बातों की अवहेलना कर रहे हैं, ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि बच्चे हमारे समाज का आईना है, यही हमारे देश का भावी भविष्य है। आप अपनी तरफ से और लिटिल एंजल्स की तरफ से क्या संदेश देंगे, खास करके युवाओं को, पूरे देश के युवाओं? मैं तो युवाओं को यही कहूँगा कि जितना हो सके चरित्रवान बने, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, अपने विचारों को मजबूत बनाएं, जिससे कि हमारा जो समाज है वो मजबूत तरीके से देश के अग्रणी राज्यों में, जिस प्रकार हरियाणा भी आगे बढ़े, भारतवर्ष भी आगे बढ़े और अमेरिका जैसी महाशक्तियों से हम मिलकर सामना कर सकें, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। जी सर, थैंक यू।